गोरखपुर के नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि मैंने एसपी ट्रैफिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसके पहले मैं आजमगढ़ व शाहजहांपुर सहित अन्य शहरों में अपनी सेवा दे चुका हूं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और शहरों में चल रहे अवैध वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में जो पार्किंग है वहां पर वाहन खड़े हों यह सुनिश्चित किया जाएगा। जनता को आने जाने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े इसका भी पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोपहर में छूटने वाले स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, यहाँ मैंने एसपी ट्रैफिक के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले मैं आजमगढ़ था, उससे पहले शाहजहांपुर था, इससे पहले कई और जगहों पर रहा था। इस जनपद में आगमन करने मैंने अपनी प्रायोरिटी तय की है। यहाँ पे यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरह से लग के काम किया जाएगा। अवैध वाहनों पर नियंत्रण किया जाएगा। जो चिन्हित पार्किंग है वहीं पर वाहन खड़े हों ये सुनिश्चित किया जाएगा। अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाया जाएगा और जनता को किसी आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना हो, उनके समय की बचत हो सके और पुलिस में यातायात पुलिस में शुचिता बन रही है, इस पर कार्य किया जाएगा और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सर देखा जाता है अक्सर दोपहर में स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है, उसके लिए सर किस तरह की पहल की जाएगी? इस पर देखा जाएगा कि स्कूलों में जो टाइमिंग का कुछ डिफरेंस लाया जा सके वो किया जाएगा और जिन वजहों पे वजह से जाम लगता है, भ्रमण है या वाहनों के बराबर खड़े होने से जाम लगता है या फिर डाइवर्जन का हो सकता है, इस प्रकार की जरूरत है वहाँ इसको देख के काम किया जाएगा।